अश्वगंधा के पत्ते खाना, वजन के लिए 10 उपाय। गोधन अर्क सुबह, ये तो 25 ml तक पी सकता है, 10 ml से लेके 25-30 ml तक, 10 से 30 ml तक गोधन अर्क पीना। और उस यदि थोड़ी एसिडिटी हो जाती है तो एक चम्मच हनी डाल दो और आधा एक कप या एक ग्लास पानी में डाइल्यूट करके पियो, ऐसे मुंह बंद करके पी जाओ। थोड़ा पीने में एक बार थोड़ा बकबकासा लगता है, उसमें अमोनिया के कारण से थोड़ी गंध आती है, और शहद एक चम्मच डाल देते हैं ना तो फिर उसमें बकबका भी नहीं लगता, किसी को उल्टी हो जाती है वो भी नहीं होती। और थोड़े गुनगुने पानी में पीना चाहिए, ठंडे पानी में नहीं। जो किसी कारण से, वैसे तो गोधन अर्क 99% उसके उसी से फायदा होता, तो गोधन अर्क से एक मोटापा ही नहीं, इससे सारी स्किन प्रॉब्लम अच्छी होती है। उसके साथ जिनको मोटापा है मेदो अरबटी, जिनको स्किन प्रॉब्लम हो कायकल्पोटी खाओ, नीमबटी, नीमबटी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गोधन अर्क और नीम घनबटी। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसके साथ लिपिडोम खाओ, जिनको लीवर की प्रॉब्लम उसके साथ में लिवोग्रिट खाओ खाली पेट, जिनको कफ कोल्ड है वो कफ कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा गोधन अर्क, कफ कोल्ड को भी खत्म करता है। जो भी भीतर टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं, अनवांटेड चीज भीतर बढ़ी हुई है ना, वात बढ़ा हुआ है वात को खत्म करता है। तो आप जिनको वात रोग है वो उसके साथ मोरिंगा बटी खा लो, ऑर्थोग्रिट खा लो, गिलोई घनवटी खा लो। गिलोई वात को भी दूर करती है, पित्त को भी दूर करती है, कफ को भी दूर करती है। जिनको एसिडिटी है उसमें हनी डाल लेना। गोधन अर्क शरीर के शुद्धिकरण के लिए ब्लड थीनर के तौर पर उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो चलो, और उसके बहुत फायदे हैं, तो मैं दूसरे फायदे बताने लग गया। अश्वगंधा के पत्ते, गोधन अर्क सुबह से क्या क्या खाना हो, फिर गर्म पानी पियो, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पीना है और गिलोई का ही पानी पीना है। मोटापा वालों को सामान्य पानी नहीं पीना बेटा, जैसे मोटापा वालों को केवल गिलोई का पानी, जैसे कफ कोल्ड वालों को दिव्य पेय का ही पानी पीना है, जिनको पेट की बीमारियां उनको पंचामृत पानी पीना है, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का ही पानी पीना है। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है जीरा धनिया मेथी सौंफ, जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब का पानी देते पितार पानी पीना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अर्जुन की छाल का ही पानी पीना है। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है उनको एलोवेरा वीटाग्रास और लौकी का जूस यही पीना है। ये मेडिकेटेड वाटर जो हम देते हैं अलग अलग रोगों में, तो दिन भर गिलोय का ही पानी पीना है। फिर रोटी नहीं खानी, अनाज बंद, मीठा बंद, घी बंद, ये बहुत जरूरी है, अनाज मीठा घी ये बंद। अनाज मीठा कोई भी ग्रेन नहीं खाना, वैसे हम मल्टीग्रेन आटा और ये सब बताते हैं, बाजरा रागी मकई जौ चौलाई अलग अलग आटों का सेवन कराते हैं, लेकिन मोटापा वालों का अन्नमय कोष, ये जो दिखता है ना ये ऊपर से, ये अन्नमय कोष है, इसके पीछे प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांच कोष हैं, पांच शरीर हैं हमारे, 5 layers हैं हमारे इस बॉडी की, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष। तो अन्नमय कोष तो पहले ही से ज्यादा है, तो अन्न नहीं खाना, घी नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना, तो बोले न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन की तो कमी नहीं हो जाएगी, 2-3 महीने में कोई कमी नहीं होगी, पहले से रिजर्व बहुत है। और धूप में बैठना 1 घंटा, धूप में बैठना बेटा 1 घंटा, विटामिन डी B12 कोई आयरन किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपका फैट ही फूड में कन्वर्ट होता रहेगा। और आपको जो रस दे रहे हैं ना ये अलग अलग प्रकार के, लौकी का जूस पिला रहे हैं, कुछ फलहार करवा देते बीच बीच में, 3 दिन उपवास फिर 3 दिन फला उपवास, फिर सूप पिला देते हैं टमाटर आदि का, रसोपवास करा देते, फलोपवास रसोपवास सूपोपवास, लौकी का सूप टमाटर का सूप, फ्रूट्स जिनमें बहुत लो कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट्स,
फिर ये तो खाने पीने के बारे में बताया, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, तुरंत पानी नहीं पीना है। बहुत भूख लगे तो वाटरमेलन खा लिया, उसमें कुछ नहीं दिक्कत है। खैर फिर क्या क्या करना है थेरापियों में? बस्ती लेनी है त्रिफला क्वात की, त्रिफला वेट को घटाने के लिए। त्रिफला गूगल भी देते हैं हम, मेदो हरबटी भी देते हैं, वेट को भी देते हैं, सब चीजें देते हैं। त्रिफला की बस्ती गोधन के, गोधन अर्क के साथ, गोधन अर्क के साथ बस्ती देते हैं। गोधन को ऊपर से भी पिलाए, नीचे से भी पिलाए, पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। अब ये एक साथ सारी चीजें करनी है तो फिर ये एवरेज जो है ना 250 ग्राम का नहीं आएगा, 1 किलो का आएगा, 1.5 किलो का आएगा, 2 किलो का आएगा। ऐसी हर एक बीमारी के बारे में थोड़े थोड़े तत्व बता रहा हूं आज आपको। तो मेदोहर बस्ती है ये, मेदोहर बस्ती। तो गोधन अर्क और त्रिफला, उसकी बस्ती लेना। किसी दिन मान लीजिए पेट गड़बड़ हो गया थोड़ा, पेट वैसे गड़बड़ कहाँ होगा जब ऐसी चीजें करेंगे, तो सर्वकल्प की बस्ती में, सर्वकल्प कायाकल्प या त्रिफला की बस्ती में गोधन लेना है। फिर पहले ये 3 दिन गोधन अर्क की बस्ती देते हैं, तो फिर 2 दिन फिर उनको तेल की बस्ती देते हैं, वो देते हैं। ये प्रक्रिया है उसकी, पहले ये बस्ती दी, फिर तेल वाली बस्ती दी, फिर 2 दिन विश्राम दे दिया, फिर शुरू कर दिया। फिर तुमको ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी डेली जरूरी है। तुम स्वस्थ बच्चे हो, जो बहुत ज्यादा बीमार है, जिनको साथ में कफ है, कोल्ड है, कमजोर है, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी दोपहर 2 बजे तक तो जबरदस्त धूप होती है, अच्छी धूप होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें मड थेरापी, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, डेली स्टीम लेना बेटा, 2 बार स्टीम लो सुबह शाम, 2 बार स्टीम, दोनों टाइम लेते हैं, हाँ ठीक है, दोनों टाइम लेते हैं, 15 मिनट बोल रहा है, 15 मिनट दोनों टाइम स्टीम लेना। उससे शरीर में अकड़न भी नहीं होगी, थकान भी नहीं होगी, करते रहो। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ग्रीन हाउस। अब मैं देखता हूं यहां लोग पूरा उपचार नहीं लेते, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, मड थेरापी, फिर ड्राई मसाज कराते हैं मोटे मोटे लोगों को, बीच बीच में तेल वाली भी कराते हैं, लेकिन कोलकुलत्था आदि से मसाज कराते हैं। जिनको ऐसा लिया एमएस ऑटोमेन डिजीज है उनको इम्यूनोग्रिड से मसाज कराते हैं, जिनको चर्म रोग है उनको कायाकल्प से मसाज कराते हैं। ये ड्राई मसाज, उसको उद्वर्तन कहते हैं, उद्वर्तन, उद्वर्तन कराते हैं। पाउडर मसाज ये कह रहे बड़ा चमत्कारी है, इन्होंने ले रखा उसका लाभ, पाउडर मसाज कराते हैं, 2 किलो पाउडर। अब ऐसे ऐसों पर तो 3-4 किलो लग जाता है डबल साइज हो गया ना। तो पाउडर मसाज, फिर तेज चलो, दौड़ो, दौड़ लगाओ। अब धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दो बेटा, ठीक है? तो अब तेज चलना शुरू किया था, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेंगे, बाद में तेजी से दौड़ेंगे, आहिस्ते आहिस्ते चीजों को किया जाता है। अब ये इतने उपाय, और हमेशा मन में ये संकल्प, मेरा वेट घट रहा है। मन के संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब योग कर रहे हैं, योग करते करते मेरा वेट घट रहा है।